लगातार कंट्रोवर्सी से घिरी कंगना रनौत को मिला बी टाउन के एक खान का साथ। शाहरुख, सलमान या आमिर, कौन है बॉलीवुड का ये दबंग खान जिसने ली है कंगना की साइड? क्या कंगना इस खान के साथ करने जा रही है फिल्म? गेस करना चाहेंगे कि हम यहाँ बी टाउन के किस खान की बात कर रहे हैं जिसने कंगना को बता दिया है अपने जैसा? चलिए हम बता ही देते हैं आपको कि ये खान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है, जो पहले भी कंगना की कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। इन अ रीसेंट इंटरव्यू आमिर सेज ही सीज अ लॉट ऑफ हिमसेल्फ इन कंगना। वहीं कंगना भी आमिर से मिले इस सपोर्ट के बाद एम्पावर्ड फील कर रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से फिल्म मनी कर्णिका के डायरेक्शन में कंगना के ओवर इंटरफेरेंस की खबर ने सुर्खियां बनाई हुई थी। यहां तक कि सोनू सूद के फिल्म से एग्जिट की वजह भी कंगना के इस एटीट्यूड को बताया गया, जिसके बाद एक बार फिर कंगना विवादों में फंसती नजर आई थी। यहां तक कि रूमर्स ये भी उड़े थे कि फिल्म पंगा के डायरेक्टर अश्विनी अय्यर ने कंगना के साथ नो इंटरफेरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया है। इसके बाद में खुद अश्विनी ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कंगना का सपोर्ट किया था, और अब आमिर के इस सपोर्ट ने भी कंगना के कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आमिर खान और कंगना जल्द ही एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2008 में फिल्म गजनी में कंगना को आमिर के साथ रोल ऑफर किया गया था, लेकिन कंगना रोल के लिए फाइनल होती इससे पहले अपेरेंटली कंगना को ये बताया गया कि आमिर हैड रिफ्यूज्ड द रोल, जिसके बाद कंगना ने भी रोल को कर दिया रिजेक्ट। बाद में आमिर ने ये क्लैरिफिकेशन भी दिया था दैट ही वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द कास्टिंग मिसफायर, और तब भी उन्होंने कंगना के साथ फिर से जल्द काम करने का प्रॉमिस भी किया था। वेल, लगता है अब आमिर और कंगना के फैंस की इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली हैं, जब ये दोनों एक साथ अपकमिंग फिल्म में साथ आएंगे नजर।